पेट्रोल का रेट जो है वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस लिहाज से गाड़ी की एवरेज क्या आपको शौक है जितनी आप ड्राइव? एवरेज अगर हम एसयूवीज की वैसे देखें तो वो की वाले या करोला वाले, तो मेरा ख्याल है कि उनकी मार्केट जिस तरीके से उन्होंने रेट किए हुए, तो इतने रेट पीछे से डॉलर के बढ़ते नहीं जितने रेट वो गाड़ियों के बढ़ा देते हैं। तो अगर उनसे ब्लैकमेल होना है तो फिर तो उनकी लकीर के फकीर बने रहे और वो गाड़ियाँ खरीदते रहे। तो अगर आपने अपनी चाहते हैं कि आपकी मुबारक हो सबसे पहले। मुबारक, कैसा रहा आपका इस गाड़ी के साथ? यार अभी तो फिलहाल अपना ली है, कुछ 1700 किलोमीटर चली है, बाकी अभी तक तो बेहतरीन है। एक दो फॉल्ट आए थे इसके, तो वो कोई ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती थी, तो वो खैर कंपनी सेल सर्विस पे गए थे, उन्होंने ठीक कर दिया था, बाकी बेस्ट है। मतलब टर्बो चार्ज के साथ 1.5 में काफ़ी मज़ेदार है। बेहतरीन है, बेहतरीन है, मज़ेदार नहीं है, बेहतरीन है यार ये। आप बैठे हुए आप देख रहे हैं कि आपको समझ आ रही होगी कैसे अपना इसकी है पिक वगैरह। ओके, क्या मतलब आपकी पसंद किस तरह की थी? एस क्रॉस ओवर की तरफ जाना चाह रहे थे आपकी क्या था? नहीं, मैं पहले यूज़र था होंडा का। अच्छा, तो खैर अभी होंडा ने जो अभी रिसेंटली जो लॉन्च की है अपनी स्विक, उसकी उसने प्राइस ही इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। तो मेरा जो बजट था वो 4 से 5 मिलियन का था। अच्छा, तो उसमें मुझे पहले मेरे पास स्विक 1.8 थी, तो खैर अभी मुझे गाड़ी चेंज करनी थी, तो मैंने कहा ये 5 मिलियन में अच्छी ऑप्शन थी, तो इसलिए फिर इसको ट्राई कर लिया। लेकिन एक्सपीरियंस अभी अच्छा जा रहा है, आगे इन फ्यूचर इसकी क्या मसले मसाइल होते हैं या नहीं होते ये नहीं पता, वो फिर आपको 5-10 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही पता लगता है आपको। हाँ जी, ऐसा ही है। बाकी ये है कि इसके फीचर ऑल का रेट जो है वो दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस लिहाज से गाड़ी की एवरेज क्या आपको शौक है जितनी आप ड्राइव? एवरेज अगर हम एसयूवीज की वैसे ही देखें तो वो 7 से 8 है। आम जितनी भी एसयूवीज मार्केट में चल रही हैं, ड्यूसन हो गई, एमजी हो गई, स्पोर्टेज हो गई, एक्सपोर्टोन हो गई, उशान हो गई, ये सब की जितनी भी एवरेज है ना, ये सब की 7 से 8 है। और इसकी भी जो एवरेज मैंने अपने पर्सनल अभी तक 1700 किलोमीटर में देखी है, वो मुझे 8 से 9 की मिली है। यानी कि अगर थोड़ा सा पाँव एक्सीडेंट विद इन द सिटी, मतलब कि जहाँ पे ट्रैफिक विद इन सिटी, वैसे आउट आप जाए बाहर सिटी से बाहर जाए मोटरवे पे इसकी 11 से 12 है। 11 से 12, हाँ 11 तो मैंने खुद ली है, 12 का कंपनी क्लेम करती है। मतलब ये है कि जितने हल्के पाँव से चलेंगे उतनी, हाँ उतने हल्के। और इसका वो कंपनी ये भी कहती है कि 3 ऑयल के बाद इसकी थोड़ी बेहतर हो जाती है पेट्रोल कंजप्शन, ठीक है। तो बाकी अभी तो इसका 1st ऑयल चेंज हुआ है, तो जब 3 ऑयल चेंज होंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी क्या एवरेज और बेहतर हुई है कि नहीं। लेकिन फिल वक्त 8 से 9 ये सिटी में दे रहे हैं। और पैनोरामिक रूफ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पैनोरामिक रूफ आपके सामने, ऊपर इसका एक्सपीरियंस आपके सामने है कि आप जब इसको ओपन करते हैं तो अगर धूप ना हो तो बड़ा एंजॉयमेंट है। मतलब ये बारिश वाला मौसम, हाँ, है, तो बारिश वाला मौसम है, आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे आपके साथ फैमिली बैठी है तो वो बड़ा अच्छा एंजॉय कर सकती है, तो उस लिहाज से बड़ा बेहतर है। और ये अब गाड़ियों में तकरीबन मेरे ख्याल से कंपलसरी कर दिया इन्होंने, हर गाड़ी में ये आ रहा है पैनोरामिक सनरूफ, चाहे वो सेडान है चाहे वो एसयूवी है, उनमें सब में ये पैनोरामिक सनरूफ। लेकिन ये है कि एक लिहाज से ये थोड़ी डेंजरस भी है क्योंकि इसके अंदर कांच है सारा। नहीं नहीं, डेंजरस का कोई ऐसा इशू नहीं है, उसकी वजह है कि इन्होंने जितना भी ये ग्लास होता है ये इन्होंने प्रोटेक्ट किया होता है। अच्छा। इसके ऊपर जैसे कोई चीज़ हीट होती है तो ये कांच की सूरत में नहीं गिरता, बल्कि ये इसके रेजा रेजा हो जाते हैं, इसकी गैस इसके अंदर उन्होंने इंस्टॉल की होती है, इसलिए विंड स्क्रीन जैसा होता है जिसमें, हाँ वो ये सब शीशे इनके तकरीबन इसी कैटेगरी में रहते हैं, जैसा कि आपका कलर ब्लैक है, हमने सुना था आपने इसको पीपीएफ करवाया सारा। हाँ जी, मैंने पीपीएफ करवा लिया हुआ। नहीं वो चले, आपने अच्छा किया है कि वो स्क्रैचेस वगैरह से बच जाता है, कोई धूप से कलर फेड नहीं होता। हाँ जी ठीक है, बस मेरे लेकिन मुझे जो पीपीएफ वाले लोग मिले हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो लेकिन बाकी ठीक है, गुजारा हो गया, अच्छा गुजारा हो गया, ठीक है। ये तो एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो फिर जो पेंट की जो मतलब एक होती है कि जेन्युइन जो आता है वो चीज़ सही रहती है। ये इन्होंने 5 ईयर्स की वारंटी दी है मुझे पीपीएफ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 साल भी ठीक चल जाए तो आपके पैसे जितने में आपके पैसे लगे वो पूरे हो जाए, आपका पेंट ठीक की वाले या करोला वाले,
तो मेरा ख्याल है कि उनकी मार्केट जिस तरीके से उन्होंने रेट किए हुए, तो इतने रेट पीछे से डॉलर के बढ़ते नहीं जितने रेट वो गाड़ियों के बढ़ा देते हैं। तो अगर उनसे ब्लैकमेल होना है तो फिर तो उनकी लकीर के फकीर बने रहे और वो गाड़ियाँ खरीदते रहे। तो अगर आपने अपनी चाहते हैं कि आपकी मार्केट पाकिस्तान की जो है वो बेहतर हो, तो उसके लिए हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। आखिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट की है हमारे मुल्क में, तो मेरा ख्याल है आपको एक दफ़ा यूज़ करके गाड़ी ज़रूर देखनी चाहिए कि गाड़ी में कम्फर्ट लेवल ठीक है, उनके मुताबिक है या नहीं है। मैंने यूज़ किया, रिस्क लिया था, मैं हैप्पी हूँ, मुझे, मैं मुतमिन हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ठीक हुई। जैसे कि आपने बताया कि पहले बिग थ्री थे, अब टोटल जो पाकिस्तान के अंदर ब्रांड है वो 13 के करीब है। अब तो काफ़ी ब्रांड्स आ गए, लेकिन अभी भी आप उन ब्रांड्स को आप ये कंसीडर नहीं कर सकते ना कि वो मार्केट में इन है, मार्केट में इन, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग चीज़ खरीदते बाद में या उसको बेचने का पहले सोच लेते हैं कि यार ये बिकेगी कितने में। तो जो लोग इस कैटेगरी के होते हैं वो लोग किसी नई चीज़ को या नई प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, वो हमेशा वो ब्रांड की तरफ ही जाते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी इन हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस अपने माइंड में से ये एक कॉन्सेप्ट निकाल के, और अगर आप एक प्रोडक्ट को देख के नज़रिए से आप ख़रीदते हैं ना कि एक प्रोडक्ट है, कंपनी है, वो आई है, उसका कंपनी का बैकग्राउंड देखें कि ये कंपनी बैकग्राउंड कौन है, यहाँ लॉन्च कौन कर रहा है, अगर वो अच्छा इदारा है और अच्छे लोग हैं तो वो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप देखें, 2-3 साल पहले चंगान आई थी, उसके अलावा ये ग्लोरी वालों की प्रिंस आई थी, तो ये लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, ये लोग कोई भाग तो नहीं गए ना यहाँ से, और यही वजह है कि उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, तो उन्होंने आगे से अपनी दूसरी गाड़ियाँ भी लॉन्चेस की हैं। तो अब इस टाइम इसकी मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, ग्लोरी की, चंगान और शान की, ये गाड़ियों की बहुत अच्छी मार्केट जा रही है इस टाइम। मतलब कि हमें नए ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो मार्केट में ही न हो, और हाँ, ताकि उनकी मार्केट बने, मार्केट वर्थ बने, ताकि आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है कि ये मार्केट में बिकेगी कितने की, वो आपका जो क्वेश्चन है मार्क, वो आपका ख़त्म हो जाए, ताकि आपको पता हो कि इसकी सेल और रीसेल दोनों है। चलते रहो सही, चलते रहो, आओ यार, लॉन्ग से चलाएंगे किसी टाइम पर निकलेंगे। चलें सही है। अब आप बस ये एक लास्ट सवाल बता दें कि जो प्राइस ब्रैकेट थी वो क्या थी, और प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं आई जब आपने गाड़ी पर? नहीं, प्राइस फ्लक्चुएशन आई थी, मैंने जब ये गाड़ी लेने की सोची थी उस टाइम ये 540 की थी जी। तो जब मैंने ये इसको परचेज करने के लिए गया हूँ, तो बस मेरे नसीब थे कि उसी दिन इसकी प्राइस जो है ना वो 54 हो गई जी। लेकिन मैं मीर मोटर्स वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि ये मैंने मीर मोटर से ली थी, बेहतर है। सही, क्योंकि इसके अंदर जो आप, मैं समझता हूँ कि मेन चीज़ होती है गाड़ी के अंदर उसकी सस्पेंशन, उसका इंजन और कंफर्ट, कंफर्ट है ठीक है, तो इसकी ये तीनों चीज़ें बेस्ट है। सही, तो बाकी रहे इसके फीचर, आपने वो आम रिव्यूज़ वगैरह देखे होंगे और भी जगहों पर के यूट्यूब के ऊपर कई लोगों ने बनाए हुए हैं, उसमें उन्होंने इसकी तमाम ऑप्शन के मुतालिक डिस्कस की हुई है, तो लेकिन वो फजूल है, वो कोई मेरी नज़र में इतने मायने नहीं रखते कि आप डिग्गी को पाँव से किक करके ओपन करें, आप सिंपल जाके बटन पुश करें ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। ऑटो बूट है जी, ऑटो बूट है, ऑटो बूट, ऑटो बूट है। तो लेकिन बाकी इसमें मुझे एक जो है वो डिसएडवांटेज लगा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का, ये मज़ेदार नहीं है, ये हम लोगों को आदत पड़ी हुई है एंड्रॉयड की, और ये एंड्रॉयड नहीं है, नॉन एंड्रॉयड है चाइना का। अब उनके आपस में क्या मसला है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया है, तो बस इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यूट्यूब सब चल जाती है, लेकिन वो एक अदर तरीका है, उसके जरिए चलती है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, स्विक से भी बेहतर है। अच्छा, मतलब आप, फोन वगैरह पे हेलो हेलो नहीं करना पड़ता? बहुत अच्छा इसकी, बहुत अच्छी है इसकी, बेहतरीन किस्म की है वो, तो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की हुई है, आप अभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सही, तो वो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, आपको सिर्फ एक पुश करना और आपकी कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, देन आपकी कोई कॉल आती है उसकी वॉइस जो है वो बड़ी क्लियर है, ठीक है, और माइक बड़ा क्लियर है इसका। अच्छा, हाँ उस लिहाज से ठीक है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा जो है वो बस सो सो है। ये 360 डिग्री कैमरे की नस्बत ये अगर 2D दे देते ना कैमरा जी जी, फ्रंट और बैक वो ही काफ़ी था, और अगर अच्छा दे देते, ये इन्होंने थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी। हाँ, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है शायद, क्योंकि इसकी नस्बत जो अगर हम देखें तो